सो गाइज, IPL स्टार्ट होने में बस कुछ दिन बाकी है और यहाँ पर सबसे पहला मैच होने वाला है CSK वर्सेस KKR के बीच में। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लेइंग 11 कंपैरिजन की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये मैच होने वाला कहाँ और कब है। तो ये मैच होने वाला है 26 तारीख को, होने वाला है मुंबई के वानखेड़े मैदान में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेड टू हेड से। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं CSK और KKR में टोटल कितने मैच हुए। टोटल यहाँ पर 26 मैच हो चुके हैं, जिसमें से CSK ने 17 मैच जीते हैं और KKR ने सिर्फ 8 मैच जीते हैं। यानी कि इस हिसाब से अगर जो देखा जाए तो KKR जो है थोड़ा सा पीछे है इस मामले में, सो CSK यहाँ पर जीत रहा है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लेइंग 11 पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओपनर्स की, और यहाँ पर CSK की टीम से ओपनिंग करने आ रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ा एंड डिवॉन कॉनवे। और KKR की टीम की बात करें तो KKR की टीम से ओपनिंग करने आ रहे हैं वानखेड़े अय्यर एंड एलेक्स हिल्स। अगर जो हम लोग ओपनर्स को कंपैरिजन करें तो यहाँ ओपनर को कंपैरिजन करना मतलब इक्वल ही बात है, क्योंकि यहाँ पर CSK की टीम से डिवॉन कॉनवे का ये पहला सीजन होगा, ऋतुराज गायकवाड़ एज इट इज़ खेलते हैं, और KKR की टीम से वानखेड़े अय्यर हमेशा लोअर ऑर्डर में आते हैं और वो अब की बार फर्स्ट में आ रहे हैं। सो इसलिए थोड़ा सा अलग रह सकता है इनका गेम प्ले। और अगली बात करते हैं ये लास्ट प्लेयर हमारा एलेक्स हेल्स, जो कि इन्हें बहुत ही कम मौके मिलते हैं खेलने का। तो यहाँ पर कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर ये दोनों टीम के प्लेयर ओपनर दोनों सेम लग रहे हैं, तो यहाँ पर मैच में ही पता चलेगा कि कौन ज़्यादा अच्छा खेलता है। यहाँ पर अभी कुछ कहना तो ना के बराबर है, तो यानी कि पहला हमारा ओपनर्स इक्वल ही रहेंगे, यहाँ पर किसी भी टीम के में फेवर नहीं जा रहा। तो बात थी ओपनिंग ऑर्डर की, तो अब बात कर लेते हैं मिडल ऑर्डर की। तो यहाँ पर मिडल ऑर्डर में CSK की टीम से आ रहे हैं अंबती रायडू, मोइन अली एंड MS धोनी। यहाँ दूसरी बात करें KKR की टीम की, KKR की टीम से आ रहे श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा और आंद्रे रशल। देखने में तो लग रहा है यहाँ पर KKR थोड़ी सी भारी हो सकती है CSK के ऊपर, क्योंकि श्रेयस अय्यर अपने कप्तानी फॉर्म में आएंगे, क्योंकि कप्तान है तो फिर अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, अपने प्राइम टच में खेलेंगे। तो और दूसरी बात करें अपने नीतीश राणा की, तो नीतीश राणा भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं और हमारे आंद्रे रशल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। यानी कि ये तीनों प्लेयर ही काबिलियत तारीफ है और अपने कप्तान के साथ खेलेंगे और कप्तानी के हिसाब से वो अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। तो इस हिसाब से KKR की टीम थोड़ी सी भारी हो सकती है मिडल रेंज में। और दूसरी बात करें CSK की, तो CSK के मोइन अली भी काफ़ी ठीक ठाक सा खेल लेते हैं और MS धोनी भी एज इट इज़ नॉर्मल खेलने वाले हैं, तो कुछ कहना मुश्किल है यहाँ पर फिर भी हम लोगों को लगता है कि KKR यहाँ पर थोड़ी सी भारी पड़ सकती है CSK के ऊपर। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लोअर ऑर्डर की। तो यहाँ पर लोअर ऑर्डर में CSK की टीम से आ रहे हैं सबसे पहले रविंद्र जडेजा, ड्विन ब्रावो एंड शिवम दुबे। और KKR की बात करें तो यहाँ पर KKR की टीम से लोअर ऑर्डर में आ रहे हैं सेल्डन जैक्सन, सुनील नारायण और पैट कमिंस। तो यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है कि CSK का लोअर ऑर्डर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर है रविंद्र जडेजा, क्योंकि भाई रविंद्र जडेजा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, टॉप क्लास परफॉर्मेंस है, काफ़ी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही करते हैं। शिवम दुबे भी काफ़ी ठीक ठाक खेल लेते हैं और ड्विन ब्रावो का तो कहना ही कहना, मतलब वो काफ़ी अच्छा खेल लेते हैं, वो पिछले कई मैच CSK की टीम से भी अच्छे खासे खेल रहे हैं। और वहीं अगर जो हम दूसरे हाथ KKR की बात करें तो यहाँ पर सेल्डन जैक्सन का पहला सीज़न होने वाला, तो उन्हें देखना पड़ेगा कि वे कैसे खेलते हैं। सुनील नारायण एज इट इज़ खेलने वाले हैं जैसे वो हर साल खेलते हैं। पैट कमिंस भी काफ़ी ठीक ठाक खेल लेते हैं, यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर CSK का लोअर ऑर्डर सबसे ज़्यादा तगड़ा है, क्योंकि उनके पास रविंद्र जडेजा है जो कि अकेले ही वन मैन आर्मी है। तो इस हिसाब से लोअर ऑर्डर में CSK वॉन करती है। लोअर ऑर्डर के बाद हम बात कर लेते हैं बॉलिंग ऑर्डर की। यहाँ पर CSK की टीम से बॉलिंग ऑर्डर सबसे पहले करने आ रहा है KM आसिफ एंड एडम मिलने एंड तुषार देश पांडे। KKR की बॉलिंग ऑर्डर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहे शिवम मावी, उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत KKR की टीम की तरफ फेवर जा रहा है, क्योंकि शिवम अभी कई साल से बॉलिंग कर रहे हैं, उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। उमेश यादव का लगातार परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन होता जा रहा है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा इस बार वे का अच्छा खेल सकते हैं या फिर नहीं। और बात करें वरुण चक्रवर्ती की, तो वो भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे खासे बॉलर हैं। और बात करें CSK की टीम से, तो CSK की टीम से दीपक चहर बाहर हो चुके, काफ़ी बड़ा झटका है उन लोगों के लिए, 10 करोड़ में यह प्लेयर खरीद लिया गया है। और तुषार देश पांडे का देखना पड़ेगा कि CSK की टीम से उनका पहला सीज़न होने वाला, तो पता नहीं, हमें कुछ कह नहीं सकते। और बाकी जो हमारे प्लेयर्स हैं उनका भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वे ठीक ठाक खेल लेते हैं, बट अभी हम उस हिसाब से नहीं कह सकते। तो यानी कि सिंपल कहें तो KKR का थोड़ा बहुत एडवांटेज है, यानी कि यहाँ पर बॉलिंग ऑर्डर में KKR ज़्यादा जीत रही है। बस यहाँ तो बात करी हमने प्लेइंग 11 की, तो यानी कि थोड़ा बहुत अगर जो देखें प्लेइंग 11 का कंपैरिजन, तो यहाँ पर थोड़ा सा KKR की तरफ सुई घूम रही है, क्योंकि KKR थोड़ा सा एडवांटेज मतलब लेकर आ रहा है बॉलर्स और थोड़ी बहुत बैटिंग के ओपनर्स के हिसाब से। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत देखते हैं कि KKR अच्छा परफॉर्म कर सकता है क्या नहीं, सो वो तो बाकी मैच में ही पता चलेगा।
और अगर जो हम लोग बात करें पिछले कुछ 5 मैचों की, तो 5 मैचों में से CSK ने पिछले 5 में से 5 मैच जीते हैं और KKR ने 5 में से 4 जीते हैं। और अगर जो विन परसेंटेज की बात करें तो CSK ने अभी तक टोटल 60% की विन परसेंटेज मेंटेन कर रखी है और KKR ने सिर्फ और सिर्फ 50% की, तो यानी कि बात बराबरी के आसपास ही आ रही है। CSK की टीम 4 बार IPL जीत चुकी है, तो अगर हम लोग प्रेडिक्ट करें कि ये गेम कौन जीत सकता है तो यहाँ पर कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की टीम से बराबर के टक्कर है। सो हमारे हिसाब से यहाँ पर दोनों की टीम के पास पावर इक्वल है, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। यहाँ पर दोनों की साइड इक्वल चांसेस आ रहे हैं जीतने के, दोनों ही साइड 50-50% है, तो यहाँ पर मैच में ही देख करके हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम जीतती है। तो यानी कि इस मैच में कुछ भी हो सकता है, कुछ कहना मुश्किल है। तो गाइज अगर जो तुमने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन नॉलेज ये जो मिली है वो जो तुम्हें पसंद आई, तो यार प्लीज़ फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।